हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सकबैक के बारे में कि सकबैक क्या होता है, इसका यूज़ क्यों करते हैं और इससे कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, ये बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो पे मेरी कमेंट आई थी, दो चार कमेंट आई थी कि सर हमें सकबैक की जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो थोड़ी सी समझ नहीं आई। दीपक सर ने जो वीडियो डाली थी अभी रिसेंटली उसमें तो समझ आई है, लेकिन जो आपने डाली हुई थी वीडियो अपलोड की हुई थी उसमें थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, वो हमें समझ नहीं आई। तो दोस्तों, उस वीडियो पे तकरीबन 70-80 हज़ार के आसपास व्यूज़ होंगे, तो कुछ बंदों ने, कुछ जो हमारे व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट कर दी, लेकिन कुछ ने नहीं की। तो मैंने सोचा, तो जब इनको समझ नहीं आई तो हो सकता है उनको भी समझ ना आई हो जो देखते हैं, तो क्यों ना एक नई वीडियो बनाकर समझाई जाए। तो दोस्तों, इसीलिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ सकबैक के टॉपिक पर। तो आज हम सकबैक के बारे में ही बात करेंगे कि इसे क्यों यूज़ किया जाता है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव चौहान, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्निकल फादर। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सक बैक का मतलब होता है कि शक मतलब एकदम से हल्का सा आगे या पीछे झटका लेना। सक बैक, बैक मतलब पीछे जाना। क्या पीछे जाएगा? स्क्रू पीछे जाएगा। क्यों जाएगा? अब ये बात आप समझिए। देखिए दोस्तों, जब रिफिलिंग होती है, स्क्रू घूमते हुए पीछे की ओर जाता है तो मटेरियल आगे की ओर आता है। स्क्रू के आगे जो जगह होती है, जो खाली स्थान होता है, वहाँ पे वो मटेरियल पूरा का पूरा फिल हो जाता है। जो खाली जगह होती है वो पूरी जगह भर जाती है। तो अगर वो जगह भर जाएगी, क्योंकि मटेरियल जो उस टाइम पे होता है मेल्ट मटेरियल, वो बिल्कुल पानी नुमा होता है, अगर हम उसे खाली जगह पे डाल दें तो बहना स्टार्ट कर देगा, बहने लगेगा। तो जब वो मेल्ट मटेरियल स्क्रू के आगे जाता है तो नोजल के थ्रू आगे टपकना स्टार्ट हो जाता है, उसी को ड्रूलिंग बोलते हैं। ड्रूलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही सकबैक का यूज़ किया जाता है। अब सकबैक का यूज़ कब करते हैं और क्यों करते हैं, क्यों करते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया कि ड्रूलिंग की प्रॉब्लम को रोकने के लिए ही सकबैक का यूज़ किया जाता है। आप इसे नोट करके अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हो कि सकबैक का यूज़ क्यों किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है, जब मटेरियल आगे की ओर आ गया, आगे की जगह पूरी भर गई, तो जब मटेरियल टपकेगा तो उसे रोकने के लिए स्क्रू हल्का सा पीछे जाएगा। मतलब जैसे घूमता 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 पीछे चला गया और आगे मटेरियल आ गया, तो पहले तो घूमता हुआ जा रहा है, तो थोड़ा सा जब पीछे जाएगा वो बिना घूमे ऐसे झटके से, मतलब कि ये जा रहा है, स्क्रू जा रहा है घूमते हुए पीछे की ओर, तो मटेरियल आगे की ओर जा रहा है। जब मटेरियल आगे भर गया पूरा, तो स्क्रू हल्का सा ऐसे पीछे होएगा, बिना घूमे पीछे की ओर जाएगा, उसी को सकबैक बोलते हैं। जब बिना घूमे पीछे जाएगा तो मटेरियल आगे आएगा नहीं, और मटेरियल आगे नहीं आएगा तो जगह खाली हो जाएगी थोड़ी सी। तो जगह जब खाली होएगी तो मटेरियल नोजल के थ्रू बाहर नहीं निकलेगा, ड्रूलिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, सकबैक का यूज़ ड्रूलिंग की प्रॉब्लम रोकने के लिए ही किया जाता है। इसका उपयोग कब करते हैं? जब हमारी रिफिलिंग पूरी हो चुकी होती है, मटेरियल आगे चला जा चुका होता है, उसके तुरंत बाद इसका यूज किया जाता है। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर वीडियो समझ आ गई हो तो नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो समझ नहीं आई तो नीचे फिर भी कमेंट कीजिए, फिर एक और नई वीडियो लेकर आऊँगा, अच्छे से आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी थोड़ी नॉलेज मिल सके, और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नहीं किया हो तो अभी तक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपने आसपास सफाई रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।